is Bloomberg UTV. Is debt a bad word? Should one stay away from it? ऐसे क्वेश्चंस आजकल के यंगस्टर्स के माइंड में खासकर आते होंगे. आज जब देश इतनी तरक्की कर रहा है, द काइंड ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस दिस कंट्री हैज मेड, टुडेज यंग इंडिया डज नॉट वांट टू वेट. आवर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बढ़ रहे हैं, एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं और लोगों को एक अच्छी लाइफ चाहिए कल नहीं आज. डेट कैन प्रोवाइड यू विद दैट लाइफ टुडे. अगर डेट को समझा जाए तो डेट आपकी लाइफ बना सकता है, नहीं तो यही डेट आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. डेट ब्रिंग्स विद इट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मिसिंग देन द बोरोअर कैन वेरी सून फाइंड हिमसेल्फ इन अ डीप सी ऑफ डिस्पेयर एंड कॉम्प्लिकेशंस. तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई डेट ट्रैप में फंसा हुआ है तो क्या वो इस ट्रैप से बाहर निकल सकता है? क्या वो एक नई जिंदगी, एक नई लाइफ शुरू कर सकता है? Yes, it's possible. And through this show, we will show you how. Welcome to a story of personal growth and happiness, Debt to Life, an initiative in association with ARMS, a division of ARSEN. Debt to Life में अभी तक जितने भी केसेस एक्सप्लोर हुए, ये किस्सा उन सब से अलग. He was in a picture-perfect situation. He had the perfect beginning. The perfect grades. The perfect talent. The perfect job. And he still got it all wrong. दीपक भाटिया कोई आम आदमी नहीं है. जब हमने उनकी केस डिटेल्स देखी तो हम बिल्कुल स्टन रह गए. सच अ एजुकेटेड क्वालिफाइड पर्सन गेटिंग इनटू सच अ सिचुएशन, इट वाज एब्सोल्युटली एस्टॉनिशिंग. और हमें लगता है कि जब आप भी इनको थोड़ा और जानेंगे, इनकी डिटेल्स पता करेंगे तो आपको भी बहुत हैरानी होगी. कीप वॉचिंग. में दीपक भाटिया हंसराज मॉडल स्कूल पंजाबी बाग दिल्ली से पास आउट हुए. इसके बाद ये हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी चले गए, जहां से इन्होंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया. यहां से ये 2003 में पास आउट हुए. ब्रिलियंट स्कॉलर, पैशनेट अबाउट हिज वर्क, अ गो गेटर. इसी के दौरान मार्च 2000 में दीपक नेहा से मिले. पास आउट होने के बाद अगस्त 2003 में इन्होंने सीएमएस कंप्यूटर्स एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया दिल्ली में. यहां ये अप्रैल 2004 तक रहे. अप्रैल 2004 में इन्होंने यूलेट पैकार्ड ज्वाइन किया बैंगलोर में एज एन इंटरनल टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव. यहां इन्होंने दिसंबर 2004 तक काम किया. दीपक भाटिया को देखकर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी तरह की स्टेबिलिटी या कोई भी ठहराव नहीं रहा है. दिसंबर 2004 में ये वापस दिल्ली आ गए IISc बैंगलोर के एंट्रेंस एग्जाम के प्रेपरेशंस करने के लिए. अगस्त 2005 में इन्होंने IISc बैंगलोर ज्वाइन कर लिया. यहाँ ये जून 2007 तक रहे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए. राइट फ्रॉम स्कूल अप टू हायर एजुकेशन ही हैज गॉन इनटू सम ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस एंड सोली ऑन मेरिट. जून 2006 में इनकी शादी हो गई. अगस्त 2006 में इनकी पत्नी नेहा ने इन्हें बैंगलोर में ज्वाइन कर लिया. इनका क्रेडिट कार्ड्स और लोन लेने का सिलसिला यहीं शुरू हो गया था. सबसे पहला लोन इन्होंने सितंबर 2006 में लिया SBI से 1,00,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदने. इसी दौरान इन्होंने क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था. सितंबर 2006 में इनकी पत्नी नेहा ने जॉब करना शुरू कर दिया बैंगलोर में, जिसकी नेट सैलरी 15,000 रुपए थी. यहाँ इन्होंने अप्रैल 2007 तक काम किया. IISc से पास होने के तुरंत बाद 1 अगस्त 2007 में दीपक
जनरल मोटर्स टेक्निकल सेंटर इंडिया में एज ए डिजाइनर भर्ती हुए। यहाँ इन्होंने 31 जुलाई 2008 तक काम किया। इसके दौरान इन्होंने 3 पर्सनल लोन और ले लिए। इस गलती के लिए दीपक अपने फादर को रिस्पॉन्सिबल मानता है। ये बात और है कि दीपक भाटिया ने इस बात को ऑन कैमरा स्वीकार नहीं किया। नवंबर 2007 में इन्होंने 1,20,000 रुपए का एक लोन लिया। फरवरी 2008 में इन्होंने एक कार लोन लिया और अप्रैल 2008 में इन्होंने सिटी बैंक से एक लोन लिया अपने क्रेडिट कार्ड के सारे आउटस्टैंडिंग्स क्लियर करने के लिए। ऐसी कोई गलती नहीं है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीपक खुद लेते हैं। प्रोफेशनली दीपक इज बीन फिकल माइंडेड, ये किसी भी जॉब में एक साल से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। अगस्त 2008 में दीपक भाटिया अपनी पत्नी के साथ वापस दिल्ली आ गए और इन्होंने एक डिजाइन स्टूडियो ज्वाइन किया एज अ कंसल्टेंट। यहाँ इन्होंने सितंबर 2008 तक काम किया। नवंबर 2008 में इन्होंने मिंडा इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर लिया दिल्ली में, जहाँ इन्होंने अप्रैल 2009 तक काम किया। Brilliant student, highly educated, and he's worked with some of the best names in the business. So, ऐसी क्या गलती करी दीपक भाटिया ने जिससे आज वो इस तरह की सिचुएशन में इतनी प्रॉब्लम से फंसा हुआ है? मई 2009 में इन्होंने अपना स्टूडियो खोल लिया जिसका नाम था डीबी डिजाइन स्टूडियो। अगस्त 2009 में इन्होंने एक और पर्सनल लोन लिया ऑफिस इक्विपमेंट खरीदने के लिए। इस लोन की रकम 67,000 रुपीस की थी। तो ये थी दीपक भाटिया की अब तक की जीवनी। आज दीपक कर्जे में हैं और इस कर्जे से निकलने के लिए उन्हें भी लाइफ गुरु के सहारे की जरूरत महसूस हुई। देखते रहिए। We are here in Deepak's office. Deepak se thoda baat karni hai, puchna hai ki unka financial situation exactly kya hai, what the outstanding amounts are. Because the financial planners are very clear. First, we need to have all the details. Pehle har cheez exactly pata karni hai. Uske baad hi wo koi solution ki baat kar payenge. Reasoning chhodte hain pehle, ye dekhte hain ki kya kya hai. What all we are dealing with? Aap bol rahe hain 1 lakh loan SBI ka hai. Life Guru ki Deepak Bhatia ke saath chhanbeen unke loans ke saath shuru hui. दीपक भाटिया के पास कुल 6 पर्सनल लोन्स हैं। पहला लोन इन्होंने जुलाई 2006 में 1 लाख रुपए के लिए लिया था एक पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के लिए। इसका 1,25,000 रुपए अभी बाकी है। जो आपने हमको स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें इंडिकेट करा है कि इसके ऑलमोस्ट ऑल ईएमआईज अनपेड हैं। उसके बाद एक लोन और हमने पर्सनल लोन लिया था। दूसरा लोन इन्होंने अक्टूबर 2007 में लिया था 1,20,000 रुपए का। इसका 1,25,000 रुपए अभी बाकी है। फर्स्ट में भी आपने कुछ एक दो ईएमआईज दी थी, देन यू सेटल्ड 40,000, नॉट सेटल्ड बट यू मेड अ पार्ट पेमेंट। मेड अ पार्ट। सो हियर अगेन यू मेड अ पार्ट पेमेंट ऑफ 40,000। यस। वो पेमेंट कब आपने पे करा? खैर, तीसरा लोन फरवरी 2008 3,20,000 रुपए का कार खरीदने के लिए। और इसका आपका ईएमआई जा रहा है 7,200 रुपीस। राइट, करेक्ट। 7,200। उसमें यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स है, अगेन 3 आउटस्टैंडिंग ईएमआईज है पेमेंट। इसका लगभग 2,15,500 रुपए अभी बाकी है। अच्छा, आपके पास इसके डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स हैं? चौथा लोन अप्रैल 2008 1 लाख रुपए का, इसका भी लगभग 61,000 रुपए अभी बाकी है। आपने रियलाइज करा कि जो आप क्रेडिट कार्ड्स पे स्वाइप करते जा रहे हैं और खर्च करते जा रहे हैं, दैट इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। यू वेंट इन फॉर अ 1 लाख रुपी पर्सनल लोन टू क्लियर आउट दोस क्रेडिट कार्ड्स। तेती पांव पसारिए जेती लंबी सौर। अगर आप चादर ओढ़ रहे हैं तो आप अपने पांव को वहीं तक फैलाएंगे जितनी लंबी चादर। दीपक, थोड़ा सा व्हेन डिड यू एवर फील, बिकॉज़ आफ्टर ऑल यू आर डीलिंग विद लायबिलिटीज हियर। पांचवा लोन अगस्त 2009 में 67,000 रुपए का ऑफिस इक्विपमेंट खरीदने के लिए। इसका लगभग 25,000 रुपए बाकी है। तो इसमें तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही आउटस्टैंडिंग है। मैं ये भी बोलूंगा कुछ हद तक मैं गेट इनटू एन आर्गुमेंट विद यू दीपक, यू डोंट नीड टू जस्टिफाई इट टू मी। आपको ये खुद को आंसर एक सिंपल सा देना है कि सारी फैमिली सिचुएशन सामने रखते हुए। इसके अलावा इन्होंने 50,000 रुपए अपने फैमिली मेंबर से लोन लिए हुए हैं।
मेरे लिए इसका आंसर सिंपल ये है कि मेरे को एक एक डिटेल एवरी डिटेल वॉज इन माई माइंड आई न्यू इट एंड आई वॉज फॉलोइंग इट. हमने जब दीपक भाटिया को अप्रोच किया तो दीपक बहुत रिलक्टेंट था अपने बैंक स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स शेयर करने से. बाद में ये पता चला कि ही हिमसेल्फ डिड नॉट हैव एनी ट्रैक ऑफ वेयर दीज डॉक्यूमेंट्स वर. तो गणित कुछ इस तरह बैठता है. सब कुछ ऐड करिए, सीधे सीधे अमाउंट आ रहा है 5,79,000. राउंडेड ऑफ हियर एंड देयर व्हाटएवर 100 200 दैट आई वुड हैव मिस्ड 5,80,000 पकड़ के चलिए. लोन्स तो हो गए, अब बात बढ़ी दीपक भाटिया के सोर्सेज ऑफ इनकम पर. अब दीपक आप थोड़ा सा ये क्लियर करिए कि इनकम स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या है, हाउ मच मनी वी आर रियली वर्किंग विद. दीपक हमसे अपने एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर करने में थोड़ा रिलक्टेंट थे, तो इट रियली टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी लॉन्ग एंड ग्रूइंग सेशन स्प्रेड ओवर 2-3 डेज. दीपक भाटिया के पास तीन सोर्सेज ऑफ इनकम हैं: बिजनेस, कोचिंग और इन मदर्स हेल्प. यू टोल्ड मी यस्टरडे कि बिजनेस एक्सपेंडिचर टेक केयर करने के बाद एवरेज अगर निकाला जाए तो आप करीब 20,000 कैश जनरेट कर पा रहे हैं फॉर द टाइमिंग, करेक्ट? मैं आपकी मदर की सैलरी बिल्कुल इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ. दैट्स अ बून, दैट्स अ बोनस. बात आगे बढ़ी एसेट्स की ओर. What can we take as asset right now? दीपक भाटिया के पास दो एसेट्स हैं. एक फैमिली गोल्ड जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए की है. Are you sure about this valuation? It is around 2.5 to 3 maximum. और दूसरा इनका accumulated provident fund जो 78,000 रुपए का है. Any property, land in your name? No. Nothing. Stocks in your name? No. Mutual funds? No. A debt of 6 lakh rupees, a newborn just about to enter the family and a new business. Itna sab hone ke baad bhi Deepak Bhatia ye manne ko bilkul tayar nahi hai ki unki life mein koi bhi crisis ya problem hai. He is just banking on his confidence and his own expertise. That's Deepak Bhatia's balance sheet for you. वो बता रहा है कि बाकी उसने सब रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है और हम लोगों के कहने के बाद उसने बैंक से बात करके फाइनल जो आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट्स हैं वो उसने निकलवाए हैं. ही सीम्स टू बी अ लिटिल हेडस्ट्रॉन्ग, वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हिमसेल्फ, और ही इज ऑल्सो अ वेरी ब्राइट बॉय. उसने परमानेंट जॉब्स तो नहीं रखे हैं, जो ऑटो कंपनीज में काम करा है वो भी उसने छोड़ दिया बिकॉज ही फेल्ट द ऑफिस.